नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या 4 के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक आधारभूत ढांचागत विकास, सड़कें, ऊर्जा, जल संसाधन चैप्टर में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधारभूत ढांचागत विकास से क्या तात्पर्य है, हमें किस प्रकार का आधारभूत ढांचा आवश्यक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, जो कि यूनिट संख्या 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अब तक हमने राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत यूनिट संख्या 3 तक कंप्लीट कर ली, जिसमें यूनिट संख्या 3 में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हमने लिया, जिसमें कृषि क्या है, कृषि का क्या महत्व है, कृषि की कौन कौन सी कमियां हैं, उनके सुझाव हेतु सुझाव कौन कौन से हैं कृषिविद की, कृषिविद के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की, सामान्य मूल्य स्तर और विभिन्न प्रकार की कृषि से मांग व पूर्ति के अंतर्गत हम किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। इसी क्रम में आज हम आधारभूत ढांचागत विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आधारभूत ढांचे से क्या तात्पर्य है, आधारभूत ढांचे से तात्पर्य ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध करवा दी जाए, जैसे सड़क, यातायात, परिवहन, संचार, ऊर्जा, जल, विद्युत और भी विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उनको मिल जाए तो उनको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, अधिकतम उनको विकास, गांव विकास की ओर अग्रसर होगा, गाँव का सतत विकास होगा। तो इसलिए राजस्थान में आधारभूत ढांचागत विकास हेतु राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार निरंतर प्रयासरत रही है या प्रयास कर रही है। तो अब हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हमें किस प्रकार के आधारभूत ढांचों की आवश्यकता है। पहले तो हम चर्चा करें कि आधारभूत ढांचागत विकास से क्या तात्पर्य है। आधारभूत ढांचागत विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट रोड, एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज। आधारभूत ढांचे का से आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं अर्थात विकास की पूर्व आवश्यकताओं से हैं। इन सुविधाओं की उपलब्धि आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है तथा इनकी कमी आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचों में सड़कें, यातायात, संचार के साधन, ऊर्जा एवं शक्ति के साधन आदि को सम्मिलित किया गया है और जल संसाधन, बैंकिंग, बीमा सेवाएं आदि आती हैं। आधारभूत ढांचा किसी भी राज्य, शहर या क्षेत्र की मूलभूत सेवाओं या मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की प्रणाली, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक सेवाओं या सुविधाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार संपूर्ण विस्तृत आर्थिक वृद्धि प्रभावी उपयोगी आधारभूत ढांचे के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आधारभूत ढांचे में मुख्यतया सड़कें, संचार, यातायात, ऊर्जा आदि को शामिल किया गया है। तो अब हम बात करें राजस्थान में सड़कों के बारे में
कि आधारभूत ढांचों में सड़कों की क्या भूमिका रही है, तो हमें किस प्रकार की आधारभूत ढांचों की आवश्यकता है, तो प्रथम आती है हमारी सड़कें, रोड। आधारभूत ढांचों के अंतर्गत सड़क एक अहम भूमिका है, जो कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न एक स्वस्थ यातायात यंत्र के रूप में सड़कों की एक अहम एवं सराहनीय भूमिका रही है, जो कि राष्ट्र की आर्थिक एवं विकास की गति में सड़कों की अहम एवं सराहनीय कार्यों में महत्वपूर्ण तरीके से क्रियान्वित रही हैं। तो इस प्रकार आर्थिक स्थिति के विकास का सूचक के रूप में एक सर्वमर्यादित तथ्य यह है कि वर्तमान सड़क यातायात या तंत्र विकास की अग्रगामी कड़ी के रूप में निर्वहन करती हैं। एक विकसित यातायात या संचार तंत्र के सभी विकासशील क्षेत्र में ये लाभान्वित रही हैं। राजस्थान जैसे वहद राज्य में सड़कें एक अहम तरीके से क्रियान्वित रही हैं, तो सड़कें भी एक आधारभूत ढांचों की श्रेणी में मानी जाती हैं। सड़कों का भी काफ़ी विस्तार रही हैं, जो गांवों से शहरों की ओर मुख्य रूप से प्लान एवं क्रियान्वित रही हैं। दूसरी आधारभूत ढांचों की हम बात करें तो सड़कों के अतिरिक्त ऊर्जा, ऊर्जा परिवहन के अतिरिक्त राज्य किसी भी राज्य औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा के साधन आधारभूत संरचना के कार्य करते हैं। आधुनिक शक्ति के साधनों से जल विद्युत, अणुपवन ऊर्जा, थर्मल पावर, सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो ऊर्जा भी एक आधारभूत ढांचे के विकास में अहम रही है। ऊर्जा के अंतर्गत मुख्यतया दो स्रोतों को माना गया है, जिसमें परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में जल विद्युत, थर्मल पावर, कोयला, गैस और तेल, अणुशक्ति पावर सम्मिलित हैं, जिसमें लकड़ी, बायोगैस, सौर ऊर्जा, निर्धुम चूल्हा, पवन चक्की आदि सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा भी एक आधारभूत संरचना में अहम भूमिका का निर्वहन करती हैं। ऊर्जा के रूप में भी एक आधारभूत संरचना में, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, राजस्थान अक्षय कॉरपोरेशन है, सोलर पार्क है, ये है। तीसरी हम बात करें जल संसाधन, आधारभूत संरचनाओं की हम बात करें तो जल संसाधन, जल को जीवन कहा गया है। जल के बिना किसी भी प्राणी या जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल न केवल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, बल्कि इसके बिना मानव सभ्यता का अस्तित्व बनाए रखना ही असंभव है। इसी कारण कि प्राचीन सभ्यताएं नदियां किनारे विकसित हुई, विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे जन्मी विकसित हुई, इसलिए नील नदी के किनारे पनपी। तो जल राजस्थान में भी जल संसाधन के दो रूप माने गए हैं, जिसमें स्थलीय और भूगर्भीय जल संसाधन स्रोत सम्मिलित है। स्थलीय या धरातलीय के अंतर्गत जिसमें नदियां, तालाब, झील को सम्मिलित किया गया है, जिसमें नदियां राजस्थान में बहने वाली अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं। झीलें, लेक राजस्थान में मीठे और खारे पानी की अनेक प्रकार की झीलें हैं, ये भी जल में सम्मिलित है। तालाब हैं, तालाब भी एक जल संसाधन स्रोत का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। भूगर्भीय जल है तो ये भी एक राजस्थान के आधारभूत ढांचे विकास में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से जल संसाधन के रूप में भी है। अब राजस्थान में जल संसाधन की वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो जल संसाधन विकास के वहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से भी अल्प संसाधनों के दोहन एवं विकास एवं प्रबंधन हेतु एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जल के विकास में निरंतर वृद्धि रही है। तो इस प्रकार वित्तीय वर्षों में काफ़ी करोड़ रुपये इनमें जल संसाधन के कार्य में सरकार के द्वारा किए गए, जिसमें राजस्थान लघु सिंचाई योजना, यूरोपियन कमीशन अनुदानित राज्य कार्यक्रम योजना के तहत और सिंचित क्षेत्र विकास योजना में भी जल के रूप में सहायक तरीके से क्रियान्वित किया गया है।
जिसमें इंदिरा गांधी नहर योजना, इंदिरा गांधी नहर योजना के अंदर विषमताओं के मनुष्य में साहसपूर्ण संघर्ष का उत्कृष्ट एक उदाहरण भी रहा है। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की सदियों की प्यासी मरुभूमि को दूरस्थ हिमालय के जल संसाधन करोड़ों में पेयजल प्रदान करना है। इस परियोजना के दो चरणों में इन्होंने पूर्ण किया, जिसमें प्रथम चरण में जो कार्य किया है वह दूसरे चरण में कार्य प्रगति पर रहा है। तो इस प्रकार भी वर्ष 2015-16 में मद में 256.58 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। भूजल है जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के रूप में भी ये भूमिका का निर्वहन करती है। तो इस प्रकार आधारभूत ढांचों की श्रेणी में ये भी एक अहम भूमिका के रूप में है, जिसमें सड़क और ऊर्जा व जल संसाधन का महान अहम योगदान रहा है। तो आधारभूत ग्रामीण संरचना के विकास में सड़कें, ऊर्जा और जल संसाधन का अहम रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में सड़कों की स्थिति ग्रामीण परिवेश में बहुत ही खराब स्थिति थी। अब उनको पक्की सड़कों से जोड़ा गया है और आसानी से यातायात के संसाधन रिसोर्सेज प्रयोग में लाए भी गए हैं, जिसमें ऊर्जा, सड़कें, जल संसाधन का सतत विकास भी हुआ है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आधारभूत संस्थागत विकास या आधारभूत ढांचागत विकास में सड़कें, ऊर्जा और जल संसाधन का विशेष योगदान रहा है। तो सड़कों के बारे में हमने चर्चा की, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बहुत ही अच्छी सड़कें पूरे भारत में बन रखी हैं, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात देखें तो बहुत ही खराब स्थिति थी, अब वाकई में बहुत बढ़िया स्थिति हो गई सड़कों की। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा में विभिन्न प्रकार के स्रोत, जिसमें पावर सौर ऊर्जा है, थर्मल है, पवन ऊर्जा है, तो उनके माध्यम से आप ऊर्जा या विद्युत थर्मल पावर है, तो इनका काफ़ी विस्तार हुआ है। नई नई तकनीकी टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, तो ऊर्जा का भी है, जल संसाधन का भी विशेष योगदान, जल संसाधन का भी एक सहायक एवं विश्वसनीय कार्य रहा है। तो आधारभूत ढांचागत विकास में जल संसाधन एक अहम रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सड़कें, ऊर्जा, जल संसाधन एक आधारभूत संस्थागत या ढांचागत विकास में इनकी एक अहम भूमिका रही है। सरकार इन पे विशेष ध्यान दे रही है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर या विभिन्न प्रकार की क्रियान्वयन में ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो इस प्रकार आधारभूत ढांचागत विकास में हम चर्चा करें मुख्य रूप से जो ग्रामीण परिवेश के सतत विकास के लिए या ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण वर्ग के लोगों को ऊँचा उठाने के लिए सड़कें, ऊर्जा, जल संसाधन एक सराहनीय विश्वसनीय कार्य में सरकार प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार से सड़कें, ऊर्जा, जल संसाधन की हम चर्चा करें, हम बात करें, तो एक बहुत ही विश्वसनीय सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और उनके विकास में अग्रसर उन्नति हो रही। तो इस प्रकार से सड़कें, ऊर्जा और जल संसाधन सरकार विशेष ध्यान दे रही है। तो इसी क्रम में हम अगले वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे कि आधारभूत संस्थागत विकास में, जैसे कि आज हमने सड़कें, ऊर्जा, जल संसाधन की बात करी, तो आगे हम करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सामाजिक सेवा है, जिसमें मुख्यतया स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि राजस्थान में शिक्षा का क्या स्तर है, ये भी एक आधारभूत संरचना के बारे में आती है। आधारभूत संरचना में शिक्षा की क्या प्रगति है, वाकई में शिक्षा की गुणात्मक स्थिति, उस शिक्षा और प्राथमिक शिक्षाओं में क्या योगदान रहा है, और एक राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में कौन कौन सी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो इस प्रकार से आज हमने आधारभूत ढांचागत विकास के बारे में सड़कें, ऊर्जा और जल संसाधनों का एक संक्षेप में आज हमने अध्ययन किया कि एक आधारभूत ढांचे का विकास क्या है,
ग्रामीण परिवेश में निरंतर विकासरत या प्रयासरत रहें, किस प्रकार से ग्रामीण विकास या ग्रामीणों का या शहरी क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास किया जाए, तो इनमें मूलभूत चीज़ें सड़कें, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे तो वाकई में आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।